हेलो दोस्तों, आज हम बात करना है उत्तराखंड की भर्ती एग्ज़ाम के संबंध में दो न्यू अपडेट के बारे में। दो परीक्षाएं तिथि यहाँ पर घोषित कर दी गई हैं और इस पर हम बात करेंगे कौन कौन सी हैं और इसके संबंध में पूरा जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने अपने जो एग्ज़ाम की तिथि है वो किस किस दिन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, प्रेस विज्ञप्ति, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून। तो देहरादून में जो है आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है और साक्षात्कार परीक्षा है, दोनों की यहाँ पर जो है तिथि हो चुकी है घोषित, जो कि आपके लगभग 428 के करीबन जो पोस्ट आई हैं ऑल उत्तराखंड में, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के द्वारा यहाँ पर जो है इन पर जो है तिथियाँ घोषित कर दी गई हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि आपको जो है अपनी जो डेट जारी करके उस पर आपको प्रतिभाग करना जरूरी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जातिवार है और यहाँ पर दिनांक है, इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि जो अनुसूचित जाति के एससी कैटेगरी के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस के 19, यानी कि कल जो है यहाँ पर इनकी परीक्षा तिथि है फिजिकल वालों के लिए। उसके बाद अन्य जो सभी अभ्यर्थी होंगे जिसकी शारीरिक दक्षता वंचित रह जाएंगे उनको 20 का है, ठीक है। जिन अगर यहाँ पर 19 को वंचित रह गए हो, कल अगर नहीं जा पाते हो, तो परसों को आपको यहाँ पर कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर कहा गया है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है 100 मीटर की दौड़ होगी बैठक, और महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 50 मीटर की दौड़ और रस्सी कूद यहाँ पर सम्मिलित है फिजिकल में। उसके बाद साक्षात्कार के लिए कहा गया है कि साक्षात्कार जो होगा आपका यहाँ पर कहा गया, साक्षात्कार जो परीक्षा कार्यक्रम रखा गया 21/12 को रखा गया, तो 21/12 को जो है आपका इंटरव्यू होगा। और ये आपको जो है इस वेबसाइट में जो है साक्षात्कार के जो अपने अभ्यर्थी होंगे, इसके जो एडमिट कार्ड होंगे, इस वेबसाइट में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि जो साक्षात्कार स्थल है आपका सहकारी प्रबंधक संस्थान ICM, जो कि यहाँ 6 ओल्ड मसूरी रोड राजपुर देहरादून, यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू रखा जाएगा। और रोल नंबर 1 से लेकर 30 300 तक के जो है 21 को होगा। और यहाँ पर कहा गया है जो 300 से लेकर 600 तक के बीच में 22 को होगा, 600 से लेकर 900 तक के 23 को, और 900 से लेकर 1200 के बीच में जो है 24 को होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो रोल नंबर है आपका लगभग 1200 के बाद से 1500 के बीच में 27 को होगा, और 1500 से लेकर 1800 के बीच में 28 को होगा, और 1800 से लेकर 2100 के बीच में जो है 29 को होगा, और वहीं 21 से लेकर 22 तक का जो है 30/12 को होगा। तो 30 दिसंबर तक जो है इनके इंटरव्यू चलेंगे। तो यहाँ पर जिनका कल है, अगर कल नहीं जा पाते परसों को जरूर चले जाएंगे, उसकी जो है फिजिकल हो जाएगा। इसमें सिंपल फिजिकल है, सभी प्रतिभाग कर सकते हैं, हमें इजीली आपका हो जाएगा। और आपको जो है साक्षात्कार के लिए यहाँ पर 21 तारीख से जो है 9 बजे प्रस्तुत होना है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर देखते हैं ऊधम सिंह नगर जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो ऊधम सिंह नगर में भी जो डिस्ट्रिक्ट में भर्ती निकली थी बैंक में, उसका फिजिकल की तिथि भी घोषित हो चुकी है। इसमें आप लोग देख सकते हैं जो आपका फिजिकल दक्षता परीक्षा है 21 को, 21/12 से स्टार्ट है, और इसका जो है साक्षात्कार होगा 27 को, ठीक है। और ये जो रोल नंबर वाइज यहाँ बुलाए गए हैं वो तिथि आप लोग देखते हैं, ये आपका रोल नंबर है आपका 41,000 से लेके यहाँ पर 41,001 से लेके 41,350 तक के। तो अभ्यर्थी का जो रोल नंबर इतने के बीच में आता है वो आपको 21 को फिजिकल होगा, 27 को इंटरव्यू होगा। वहीं 22 को जो है आपका यहाँ पर लगभग जो है 41,351 से लेके 41,550 और यहाँ पर 42,100 से लेके 42,150 तक जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर रोल नंबर है वो 22 को जाएंगे और 28 को इनका साक्षात्कार होगा। और वहीं फिजिकल जो होगा रोल नंबर अगर 42,151 से लेके 42,319 तक और 43,100 से लेके 43,181 तक 23 को होगा और 29 को इनका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। और वहीं बात करें यहाँ पर जो रोल नंबर आपके यहाँ पर 41,551 से लेके 41,668 और यहाँ 42,335 से लेके 42,403 तक, और वहीं यहाँ पर 43,182 से लेके 43,217 तक, और वहीं यहाँ पर 45,100 से लेके 45,054 तक, इनका जो फिजिकल होगा 24 को होगा और साक्षात्कार यहाँ पर इन्हीं का 30 को कर दिया जाएगा। इसके लिए जो है आपको जो एडमिट कार्ड है इस वेबसाइट में जाना है, ठीक है, USNDCB.in, यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, या और कॉल के लिए यहाँ पर नंबर दिए हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और जिनको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेके आनी है उनको कहा गया है कि यहाँ पर जो है इनका दो डोज हो गए, उनको अपने डोज दो डोज लगाए हैं आपके वैक्सीन के, उनको आपका सर्टिफिकेट लेके आना है, मतलब जो आपको मिला है प्रूफ। और अगर आपके पास नहीं लगी है तो आपको यहाँ पर RT-PCR 72 घंटे का लेके आना पड़ेगा, और अपने फ़ोटो और अपने डॉक्यूमेंट सबको लेके आना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट सब कुछ, फोटो वोटो सबको लेके आना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इनको बुलाया गया है।
ठीक है, और 9 बजे बुलाया गया है। और ये जो उधम सिंह नगर वाले हैं उनको जो होगा जो साक्षात्कार होगा 27 से लेकर 30 तक का, वो आपका बैंक मुख्यालय परिसर रुद्रपुर में संपन्न कराया जाएगा, ठीक है। और वहीं यहाँ पर जो फिजिकल होगा इनका, जो आपका फिजिकल होगा 9 बजे आपका होगा जिला मुख्यालय परिसर रुद्रपुर, जो जिला मुख्यालय परिसर रुद्रपुर स्टेडियम में कराया जाएगा, ठीक है। तो स्टेडियम में कर जाएगा। और यहाँ पर जो बैंक का इंटरव्यू होगा, बैंक में ही कोऑपरेटिव बैंक के जो मुख्यालय होगा वहाँ पर इंटरव्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसेसिंग है, आपको मैंने पूरा डिटेल बता दिया। आप लोग यहाँ पर प्रतिभाग कर सकते हैं जिनका जिनका यहाँ पर फॉर्म फिल किया गया है अभ्यर्थी का, ठीक है।